Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर smart digital classes, computer lab, science lab, rich library, indoor and outdoor game, dance and music, art and craft, 24/7 backup security के साथ transport facility भी उपलब्ध है. Educated and experienced teachers, जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल. क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है. क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है. क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो. डायल करें 9453724198 या 9450118255. शिवा हुंडई चक खैरोला बेलेसा आजमगढ़ में ग्रैंड मेला. हुंडई की BS4 इंजन वाली कारों पर पाइए 50,000 से 1.5 लाख तक की भारी छूट. एक्सचेंज ऑफर और तत्काल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध. अभी नहीं तो कभी नहीं. भारी डिस्काउंट के साथ अपनी कार के सपने को कीजिए साकार. पहुंचिए शिवा हुंडई चक खैरोला बेलेसा वाराणसी रोड आजमगढ़. नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है. मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें. आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर. घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, फिल्म के जरिए यह अपील एक बार की गई और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विदेश में रह रही भारतीय प्रतिभाओं से कुछ ऐसा ही आह्वान किया. मैसेज का असर कॉल बैक के रूप में अब दिखने लगा है और उसी कड़ी में भारत लौटे हैं जनपद के मूल निवासी डॉक्टर प्रशांत सिंह. चंडेश्वर क्षेत्र निवासी डॉक्टर प्रशांत सिंह एक युवा वैज्ञानिक हैं जो पढ़े लिखे इंडिया में, लेकिन उनकी प्रतिभा का लाभ लंदन व अमेरिका उठा रहे थे. मोदी जी की प्रेरणा से 17-18 साल बाद वे अब देश लौटे हैं और देश को अब अपनी नई रिसर्च से लाभान्वित करेंगे. देश को आगे बढ़ाने का उन्होंने सोच लिया है. उनकी करंट रिसर्च ग्रीन वैक्सीनेशन भी कमाल की है. तो आइए आपको सुनाते हैं उनके सफर की पूरी कहानी. सबसे पहले तो ABC चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी उपलब्धियों के लिए. हम चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई से लेकर लंदन और अमेरिका जाने और फिर आज देश के लिए बनारस तक BHU में लौटने के सफर को बताइए. हाँ, आपने तो पुरानी यादों को कुरेद दिया फिर से. पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमसे बात करने के लिए. तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, करीब काफ़ी पहले शुरू हुआ, हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो आजमगढ़ में हुई, सेंट्रल स्कूल में हुई, उसका भी बड़ा योगदान रहा. उसके बाद हमारी BSc और MSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई. उसके बाद मेरे दिमाग में एक चाहत थी कि मैं कुछ नया करूं. और मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान में चीज़ें नहीं है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले कुछ चीज़ें अमेरिका इंग्लैंड में रिसर्च के मामले में बड़ी अच्छी थी. तो मेरे दिमाग में था कि मेरे को किसी तरह उस चीज़ को पाना है और उसके लिए मैंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया. मेरे को कई तरह की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली, जिसमें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ओवरसीज रिसर्च स्कॉलरशिप है, कैम्ब्रिज की स्कॉलरशिप मिली, जिसके कारण मुझे विदेश में शोध के लिए बुलाया गया. और मैंने काफ़ी अच्छा काम किया और विदेशों में अच्छा काम जो करते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, आप कितने अच्छे करते हैं वो निकल के आता है. उसके बाद मैं सीनियर साइंटिस्ट रहा, कैलिफोर्निया में रहा, कैलिफोर्निया में रिवर साइड में रहा, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में रहा, इम्पीरियल कॉलेज में रहा और मैंने एज ए पोस्ट डॉक ऑक्सफोर्ड में भी काम किया. तो ये करते करते मेरे को 17-18 साल बीत गए. तो फिर मैंने ये सोचा कि अब 17-18 साल तो मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, क्या अब अपने देश को कुछ दिया जा सकता है. तो यही सोच मेरे को हिंदुस्तान पुनः वापस लेके आई. और जब मैं हिंदुस्तान से वापस आया तो कुछ दिनों में एज ए UGC FRP असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिताया और जल्द ही मेरा सिलेक्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी के रूप में हुआ.
तो इस 17-18 सालों में जो मैंने रिसर्च की वो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को दिया जाए, और बहुत ही कम शब्दों में ख़ास तौर से किसानों की जो समस्याएं हैं, जो रोग लगता है उसको कैसे रोकथाम की जाए, उसी पे मैं शोध कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा काम हुआ। और विगत वर्षों में ऐसी चीज़ें आएंगी कि जिससे किसान के हाथ में पैसा भी रहेगा, उसकी उपज भी नष्ट नहीं होगी और वो खुशहाल रहे। मोदी जी का भी शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि एक प्रेरणा स्रोत तो मोदी जी हैं। मैं किसी भी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता हूँ, नहीं वो करता हूँ, लेकिन मोदी जी का बाहर इम्पैक्ट है और ख़ास तौर से युवाओं में उनका काफ़ी इम्पैक्ट है, और मोदी जी के कारण ही मेरे जैसे कई युवा वैज्ञानिक अपने देश में वापस आना चाहते हैं। और रीज़न ये है कि उनको उस तरह की सुख सुविधाएं संपन्न कराई जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो चुका है, लेकिन सरकार काफ़ी प्रयासरत है और काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है, और इसी कारण जो भारतीय विदेशी वैज्ञानिक हैं वो अपने देश में वापस आकर अपने देश की रक्षा और समीक्षा दोनों साथ करना चाहते हैं। तो मैं मोदी जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उनका काफ़ी प्रभाव युवा वैज्ञानिकों पे रहा है कि अपने घर वापस आएं और देश को आगे बढ़ाएं। तो अभी जो मेरी करंट रिसर्च है कि कई चीज़ों से पौधों की पैदावार बढ़ाई जा रही है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इससे इन्वायरमेंट पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमने एक ऐसी चीज़ विकसित की है कि जो पौधे की प्राण रोधक क्षमता है उसको हम एक्टिवेट करा देते हैं। तो हम न ही कोई ट्रांसजेनिक पौधा बनाते हैं, न ही कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, न ही कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। सिंपल मामले में जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें वैक्सीनेशन लगता है, तो जिस चीज़ का वैक्सीनेशन लगता है उसी का डोज दिया जाता है, तो जिससे डिजीज़ होती है उसी का डोज दिया जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं पौधों में जिससे डिजीज़ होती है उसी का थोड़ा सा डोज करके पौधे को विजिलेंट स्टेट में लाते हैं कि पौधा एकदम वो क्या कहते हैं हलचल स्थिति में आ जाए, और फिर जब उस पर कोई भी क्या कहते हैं रोग आता है तो अपने को प्रोटेक्ट करता है। और इसे मैंने ग्रीन वैक्सीनेशन का नाम दिया है, वैक्सीनेशन है पौधों पे है, ग्रीन वैक्सीनेशन है। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि न ही ये ट्रांसजेनिक है, न ही GMO है, न ही वातावरण पे प्रभाव हो रहा है। तो इससे पीपल लोगों का पेट भी भरेगा, प्लैनेट वातावरण को भी कोई प्रभाव नहीं होगा, और प्रॉफिट जो गरीब किसान है अगर वो अपनी खुद की उनकी बीज है तो उस बीज को कम से कम वो 10 साल तक सेम बीज को अपने खेतों में उगा सकते हैं और वो पौधा एकदम रोग ग्रसित नहीं रहेगा। हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ से ही पनपती है, तो इसलिए मैं चंडेसर में था। ये जगह छोटी है लेकिन काफ़ी विकसित है और काफ़ी लोगों का प्रभाव ही रहा है। और मेरी सबसे बड़ी सोच यही होगी, आप किसी भी छोटे कस्बे कहीं से भी निकलें आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आपके अपने ऊपर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है और कुछ पाने की चाहत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लैंड में जाऊँगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD करूँगा, फिर ऑक्सफर्ड में रहूँगा, मैं यहीं रिक्शा से सेंट्रल स्कूल में जाया करता था। तो सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, आपके हौसले बड़े होने चाहिए और आपकी ख्वाहिशें बड़ी होनी चाहिए, और इसी को आपको पाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो आज के युवाओं में पूरा जोश है, उमंग है, केवल उनको अपने अंदर झांक के ये देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। और जिस दिन जो भी युवा ये देख लेगा कहीं भी वो रहेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी और भरपूर मिलेगी। प्रशांत के कमबैक टू सर्व नेशन के भाव से पिता डॉक्टर श्रीनिवास सिंह का भी सपना पूरा हुआ। उनके दिली ख्वाहिश भी यही थी कि बेटा देश में पैदा हुआ तो यहीं के लिए कुछ करे। ऐसे ऐसा है कि मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे और उन्हीं के पत्नों को मैं चल करके बच्चों को मैंने ये सोचा कि आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ें तो जो इन्होंने जो देश इनको जो दिया है ये देश के लिए क्या दे रहे हैं ये मैंने इनको शिक्षा दी है।
ये पढ़ते पढ़ते आपने जो आपने पढ़ाया पढ़ते पढ़ते विदेश तक चले? हाँ, ये इनकी थी, मैंने पहले बहुत जोर तो नहीं दिया इन लोगों को, लेकिन ये मैं चाहता था कि मैं चिकित्सक हूँ, अभी ए भी डॉक्टर बने, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको जहाँ इच्छा है, हम कहा जहाँ इच्छा हो वो आप पढ़ो मेहनत से, लेकिन नंबर वन रहो, और उन्होंने करके दिखाया और विदेशों में भी सेवा किया, और यहाँ भी हम ये चाहते हैं कि ये हमारे देश में पैदा हुए हैं, यहाँ की मिट्टी की सांस में हवा भोजन सब लिए हैं, तो यहाँ की जनता को भी कुछ दें, यहाँ के लोगों को नई रिसर्च बना के दें। जनपद के किसानों पर बुधवार की रात बड़ी ही भारी पड़ी, कुदरत के कहर से वे तबाह हो गए। देर रात ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने फसलों को पूरी तरह से ले लिया है। जनपद के दीदारगंज, फूलपुर, मेहनगर, मार्टिनगंज व लालगंज के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। लालगंज तहसील क्षेत्र के अहरौली, अकोलही, कोटा, रणु, चंदेवरा, रामपुर, बढ़ौना, गौरीपुर सहित कई गांवों में रात में आधी बारिश तूफान के साथ आए बर्फ के बड़े बड़े ओलों ने क्षेत्र की 90% फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। फसलों में चना, मटर, गेहूं, सरसों, प्याज, सब्जी, अरहर से कई फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। किसान माथा पकड़कर बैठ गए हैं, मौसम ने उनकी छाती पर हल चला दिया है। खड़ी तैयार फसल को बर्बाद देखकर वह हताश हो चुके हैं। उनका कहना था कि अब कुछ नहीं बचा, शासन प्रशासन से मदद नहीं मिली तो आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचेगा। लगा रहे हैं, कुछ हमारी मदद करिए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, आत्महत्या करना पड़ जाएगा हम लोग को। खड़ी फसल हम लोग की पूरी खत्म हो गई है, जायदाद कुछ भी नहीं बचा है। ये सब देखिए साहब, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, चना, गेहूँ, मटर सब खत्म हो गया है। रात में जो ये प्राकृतिक प्रकोप हुआ बर्फबारी का, इससे फसल का कम से कम 90% गेहूँ, चना, मटर, सरसों, प्याज, लहसुन एकदम लग रहा है जैसे कोई हंसिया लगा कर काट के खेत में बिछा दिया है। किसानों की पूरी लागत डूब गई है। यदि सरकार इस पर चेती नहीं तो किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरी सूरत नहीं बचेगी। भारी बारिश में ओलावृष्टि होने के नाते सारी फसल का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि सरकार उस पर आकर के ध्यान दे, इसलिए कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, सब्जी इत्यादि जितनी भी फसल रही है वो सारी फसलें एकदम बिल्कुल नष्ट हो गई, एकदम खेत में पूरा ओलावृष्टि होने के नाते एकदम समाप्त हो गया है। सरकार से अनुरोध है कि वह उस पर विशेष ध्यान दे और उसकी उसको भरपाई करने की कृपा करे, नहीं तो हम किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और उससे पूरे परिवार का होना असंभव है। मंडल त्रिपाठी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकता वाले कर्मों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु प्रत्येक स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप करते हुए समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। यह भी कहा कि जिन योजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध है उन योजनाओं को इस माह के अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय के सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा कर रही थीं। समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत तथा अशासकीय अभियंता ट्रांसफार्मर के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए इन दोनों अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। श्रीमती त्रिपाठी ने शासन की प्राथमिकताओं से संबंधित कार्यक्रमों की विधिवार समीक्षा में पाया कि IGRS पोर्टल पर जनपद बलिया में बड़ी संख्या में संदर्भ डिफाल्टर हैं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में संदर्भ डिफाल्टर मिलने पर संबंधित विभाग के मंडलीय अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त कृष्ण त्रिपाठी ने समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विद्युत विभाग से संबंधित बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से बिजली के बिलों में गड़बड़ी की शिकायत अधिक है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा इस आशय की भी शिकायत की जा रही है कि गलत मीटर रीडिंग के कारण अधिक धनराशि की बिलें प्राप्त हो रही हैं, वैध कनेक्शन लिए जाने के बावजूद विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिलें अनियमित आने पर उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है। इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए
बार बार निर्देश देने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में दिए गए निर्देश के क्रम में भी की गई कार्रवाई से अवगत कराते हुए मुख्य अभियंता विद्युत उपस्थित नहीं हुए थे। इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी मऊ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, जिलाधिकारी बलिया श्रीहरि प्रताप शाही, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ अन कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी बलिया बीएन सिंह, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हर दो वर्ष पर आयोजित होने वाला मीडिया साहित्य और संस्कृति का महाकुंभ मीडिया समग्र मंथन इस बार 21-22 मार्च को आजमगढ़ के नेहरू हॉल में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से पत्रकार, साहित्यकार और सामाजिक चेतना संपन्न शख्सियतों का समागम होगा। गुरुवार को आजमगढ़ शहर के रायदुरपुर क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण, अरविंद कुमार सिंह, आशुतोष द्विवेदी, महेंद्र सिंह और राम सिंह गुड्डू ने मीडिया समग्र मंथन का ब्रोचर लॉन्च किया। इस दौरान आयोजन समिति के संरक्षक विजय नारायण और कार्यक्रम संयोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड आदि राज्यों से वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और संस्कृत कर्मी शिरकत करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से पद्मश्री विजय दत्त, श्रीधर माधवराव सप्रे, राजेश बादल, रघु ठाकुर, अरविंद मोहन, जयशंकर गुप्त, विनोद अग्निहोत्री, विजय नारायण, राहुल देव, आशुतोष शुक्ल, अजीत अंजुम, एम वेंकटेश्वर, यशवंत सिंह, धनंजय चोपड़ा, अपूर्व जोशी, हेमेंद्र सिंह तोमर आदि शामिल हैं। कार्यक्रम में पूर्वांचल के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले साहित्यकार पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। हर दो साल पे आजमगढ़ में एक पत्रकारिता साहित्य दोनों को मिलाकर एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें देश के हर कोने के पत्रकार, साहित्यकार, चिंतक, बुद्धिजीवी भाग लेते हैं। इस तरह का आयोजन देश में नियमित रूप से आज कहीं भी नहीं हो रहा है। इस साल फिर 21-22 तारीख को इस आयोजन का की शुरुआत शुभारंभ होने जा रहा है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पिछले आयोजनों में भी आते रहे हैं, लेकिन इस साल कुछ नए चेहरे और महत्वपूर्ण चेहरे इसमें जोड़े गए हैं। देखिए, आजमगढ़ की साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हस्तियां हैं वो देश भर में छाई हुई हैं। पत्रकार तो देश भर में है, विशेषकर हिंदी का। साहित्यकार, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी भी देश भर में हैं। उनमें एक प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, जो आजमगढ़ जिले के पाखनपुर गांव के रहने वाले हैं, आखिरी छोर का गांव है। आजकल वो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के अध्यक्ष हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता और साहित्य के आयोजनों को प्रोत्साहन देना है। हम लोगों ने उनसे संपर्क किया और वो बोले मुझे अपने घर में आकर सबको सुनने, सबसे मिलने और सबसे बात करने में हमको खुशी होगी। वो 22 के आयोजन में आ रहे हैं। इस वक्त वो दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक यूनिवर्सिटी है भारत सरकार की, उसके साथ मिलकर समन्वय बैठाकर दक्षिण भारत में हिंदी और भारतीय भाषाओं के साहित्य और पत्रकारिता के प्रचार में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही हम लोगों को इस बात की बड़ी खुशी है कि इस देश में 90 के आसपास जब टीवी मीडिया की शुरुआत हुई तो डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप के साथ
जो लोग अग्रणी थे मीडिया को, टीवी मीडिया को स्थापित करने में, उसमें एक बड़ा नाम राहुल देव का था। जो लोग पुराने समय से टीवी देखते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया एंकर भी हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार भी हैं और एक अच्छे बुद्धिजीवी भी हैं, उनका आना इस आयोजन में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो लोग हिंदी पत्रकारिता के शिखर पर हैं, इसमें भी कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं डॉक्टर विनोद अग्निहोत्री, वो भी आ रहे हैं। इन सब लोगों से मिलकर उनको बुलाने का काम इन्होंने किया है। और दक्षिण भारत में जो व्यक्ति हिंदी का के प्रचार में आज सबसे अधिक मेहनत कर रहा है, डॉक्टर वेंकटेश्वर, वो खुद अच्छे लेखक और साहित्यकार हैं, दक्षिण भाषाओं में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, और उनको देश के कई राज्यों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए पुरस्कृत किया है। बहुत सारे परिवर्तन आप देख रहे हैं, चीज़ों में हो रहा है, तकनीकी में हो रहा है, भाषा में हो रहा है, विचारों में भी हो रहा है, और तकनीकी विचारों में प्रभाव भी छोड़ रही है। मीडिया समग्र मंथन हर 2 साल पे जो आयोजन होता है, खासतौर पे आजमगढ़ में जो किया जाता है, उसमें ये प्रयास किया जाता है कि साहित्य को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, संस्कृति को लेकर हम बातचीत करें। और उस बातचीत में सिर्फ ये न रहे कि बहुत अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे व्यक्ति, कई किताबें जिनकी आ चुकी हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हों, बोलकर भाषण दे के चले जाएं। हम उनसे संवाद भी करने की एक प्रक्रिया करते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे, वो प्रशिक्षु, तमाम विश्वविद्यालय जो अगल बगल के हैं वो भी इस बार आ रहे हैं, तो उनसे संवाद भी होगा। संवाद में बहुत सारे क्वेश्चनेयर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इनसे पूछा जाएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमारे समय के सवाल होंगे जो इनसे पूछे जाएंगे, तो ये सवाल उनसे पूछ के एक कह सकते हैं कि एक वैचारिक समुद्र मंथन होने जा रहा है। उस समुद्र मंथन से बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकलेंगी, क्या निकलेंगी मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो एक राह दिखाएंगी, और इस तरह का आयोजन होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी, ख़ास तौर पर पूर्वी पट्टी जो बहुत उर्वर पट्टी रही है, और यहाँ पत्रकारिता का, साहित्य का, संस्कृति का एक ज़मीन रही है, यहाँ से उठने वाला हर जर्रा जो बहुत दूर तक जाता है, तो मुझे लगता है कि उसी से प्रेरित होकर हम लोग ये कार्यक्रम कर पाते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर किया जाए। पिछले 2 बार का जो आयोजन रहा है, वो आयोजन जिस गरिमा को प्राप्त हुआ, जिस तरह से हलचल पूरे देश में रही इस आयोजन की, इस बार के आयोजन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आयोजन थोड़ा से चुनौतीपूर्ण है, बड़ा आयोजन है, बड़े लोग आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे लोग, हर दिशा के लोग आ रहे हैं। ये आयोजन 8-9 फरवरी को होने वाला था, लेकिन दिल्ली चुनाव की वजह से इसको टाल देना पड़ा, अब 21-22 मार्च को होने जा रहा है। खास बात यह है कि पिछली बार हम लोगों ने 8 लोगों को सम्मानित किया था, और इस बार लगभग वो संख्या 15 या 16 के आसपास है। जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है, वो लोग जिनके नाम पर किया जाता, वो भी पूर्वांचल के लोग होते हैं, जो अपने समय में, समय को बनाने में, समाज को बनाने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया होता है। जैसे हमने गुंजेश्वरी प्रसाद का नाम लिया, गुंजेश्वरी प्रसाद हिंदी पट्टी का बहुत बड़ा नाम, पत्रकारिता से लेकर आंचलिक पत्रकारिता, उनके स्मृति में सम्मान दिया जाता है, इस बार भी दिया जा रहा है, विनोद अग्निहोत्री जी को दिया जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए एस पी सिंह का नाम बाबू जी ने लिया, एस पी सिंह टी वी जर्नलिज्म का जनक कह सकते हैं, कि जिन्होंने टी वी जर्नलिज्म को शुरुआत की, इसी अपने गाजीपुर के रहने वाले व्यक्ति थे, और उनके पीढ़ी के तमाम लोग अभी बचे हुए हैं, उसमें से एक राजेश बादल भी हैं और राहुल देव भी हैं, जिन्होंने 17-18 साल उनके साथ काम किया है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, उनके नाम पे हम, जैसे विवेकी राय जी हैं, हिंदी पट्टी का एक बड़ा नाम है, प्रेमचंद की विधा का, और कह सकते हैं आंचलिक पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले लोग हैं, मनमोद मास्टर की डायरी आपने देखा होगा कि आज अखबार में कंटिन्यूस 13 साल चल रहा है। बाबू जी के निर्देश पर इस बार एक खास बात ये किया गया है,
कि बालेश्वर लाल जो ग्रामीण एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, और ग्रामीण पत्रकारिता जो देश की असली पत्रकारिता है, जो 75% जो भारत है, जिस जो गांव में जो भारत बसता है उसकी पत्रकारिता उस, वही देती है। हाँ, यानी जिस पत्रकारिता को गांधी जीते हैं, जिस भारत की बात गांधी करते हैं, उस पत्रकारिता को ग्रामीण पत्रकार अभिव्यक्त करता है समाचार पत्रों के माध्यम से। इस बार हम लोगों ने ये किया है कि उनके नाम पर, बालेश्वर नाम जी के नाम पर एक सम्मान हम लोग शुरू कर रहे हैं, और वो सम्मान हम लोग इस बार इसी जनपद के रहने वाले विद्या प्रसाद पांडे, जो ग्रामीण पत्रकारिता के और कह सकते हैं एसोसिएशन के संस्थापक मेंबर हैं, मुझे लगता 80 या 85 की अवस्था है, तो वो पहला सम्मान हम उनको देने जा रहे हैं। यानी ये पूरा ग्रामीण पत्रकारिता को सम्मानित करने की बात। कोटेदार की कार्यप्रणाली मनमानी व अमानवीय आचरण से त्रस्त ग्रामीणों ने गुरुवार को मंडलायुक्त से कोटेदार की शिकायत की। मामला विकासखंड सठियाओं के गांव नादिरपुर सरेया का है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कोटेदार उन्हें समय से राशन नहीं दे रहे, राशन मांगने पर गाली गलौज व मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, जिसके चलते माहवार उठान सुनिश्चित नहीं हो पा रही। राशन के अभाव में परिवार के समक्ष खाद्यान्न की समस्या के साथ साथ भूखे सोने की नौबत भी बन जा रही है। मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप ग्रामीणों ने कोटेदार को हटाए जाने व उसे दंडित किए जाने की मांग की। कोटेदार के खिलाफ हम लोग आए हैं, वो हम लोगों को राशन नहीं दे रहे, जाने के बाद मार पीट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बदतमीजी हम लोगों के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आए यहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि हम लोग वहाँ गल्ला लाने नहीं जाएंगे, हम लोगों का राशन बटना चाहिए तो हमारे गांव में बटना चाहिए। कोटेदार के भी हम वहाँ से हटाइए। हाँ, बस यही हम लोगों की मांगे हैं। कोटा के कारण क्या चाहते हैं? कोटा अपन चाहते हैं, वो कोटा कोटेदार वाला के ना चाहते हैं। क्या जाती हैं वहाँ कहते हैं? वहाँ जाते हैं तो लड़का बच्चा जब कोई चौंपता है, मेहरारू चौंपता है, तब मरने लगते हैं, गरियाने लगते हैं, पूरी गाँव के गाली देते हैं, पूरे गाँव के मरने लगते हैं, तो दो ऐठे मेहरारू जाएंगे तो और मारेंगे, तो उसे चीज़ हो के हमारा चीज़ हमारे गांव में जाएगा, जब ना कोटा पहले वाला वो से वो करना चाहिए, नवा चुनाव जो हो तो के दे बा। आप जाते तो क्या नहीं देते हैं आप लोगों को राशन? नहीं नहीं राशन देते हैं, झगड़ा करते हैं, मार करते हैं, राशन भी कम देते हैं।